समझ कैसे पड़े हुए हैं, ऐसे जैसे गाजर मूली नहीं बिक्री होती, इतने ज्यादा हैं कि खुदा ना खासा कुछ हो भी जाएगा पुरानी असेंबली दे के नहीं रखा दो। आसान यार, कोई मसला ही नहीं है। और पावर, अखीर पावर को चले जाते हैं, क्या हो, क्या चाहिए, आप क्यों क्राई कर रहे हो, पिछले काम की ये बात उस्ताद बताओ। जी कोड योर वार। या अजय क्या है, हाँ नहीं पा इसका टायर साइज है 215, 47 और 17। ये स्टॉक साइज ही होता है। 2006 मॉडल अकॉर्ड यूरो आर ये आई थी के 20A पाकिस्तान इंजन, में 12 में मेरे ख्याल में आई है। 6/12 की इम्पोर्ट है। मैं बताता हूँ, सिक्स स्पीड मैनुअल LSD गियर बॉक्स है इसका। डुअल एग्जॉस्ट खान के पास थी, उसने 30 लाख की उस वक्त इम्पोर्ट की थी। यही ब्लैक यूरो आर ऑरेंज मीटर मैनुअल गियर। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मैंने कहा यार दे अप्लाइड। K20A है, ठीक है जी। और इसमें RBC मैनिफोल्ड है, जो कि फ़र्क होता है टाइप आर में। टाइप आर में PPC होता है, बाकी ये इसका सेम, टाइप आर से 6 वाला थोड़ा सा इम्प्रूव है इनटेक मैनिफोल्ड। कंपनी कहती है कि जी इससे थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, तो बस ये फ़र्क है टाइप आर सिविक FD2 में और इसमें यूरो आर में, कि इसका सिर्फ ये इनटेक मैनिफोल्ड फ़र्क है, बाकी ये सेम है। 217 हॉर्स पावर ये क्लेम करता है, इसका टॉर्क वो मेरे ख्याल से कम है। नहीं, टॉर्क भी सेम है 206, उसका भी 206 नहीं है। नहीं इसका टॉर्क वैसे हॉर्स पावर के हिसाब से ना वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होता है हॉर्स पावर से। इसका मेरे ख्याल 220-225 ही है टॉर्क भी इसका इसका। बेल्ट नहीं, 206 मैंने पढ़ा है, 206। बेल्ट कैसे चल रहा है? ये पुली होती है ना, आप इसको एक्सटेंड करके यहाँ लगवा लो, इसका नट खोल के डबल पुली करवा के एक बेल्ट और उस पर लगवा लो, तो इसकी मूवमेंट में वो सुपर चार्जर चल जाएगा। इस पे लगवा लो, इस पे लगवा लो, अच्छा इस एयर इनटेक का फ़ायदा नहीं है इसका कोई फायदा नहीं जी। ये सारी इसने डस्ट आज तो ली हुई बताएं थी जरा आपके अंदर, साथ क्या बना है। ये जब मैंने ये खोला है तो ये जो पाइप है ये डस्ट से भरा हुआ था, मैंने उंगली करी तो उंगली मेरी डस्ट से ब्लैक हो गई, तो क्या फ़ायदा है ऐसी इनटेक का। ये अब तो मिट्टी के अंदर मेरा जाती है, इंजन को भी नुकसान पहुंचा होगा। बिल्कुल, इसकी थ्रॉटल में डस्ट हद से ज़्यादा है, इसके इनटेक में मैनिफोल्ड जो के है उसमें भी डस्ट ज़्यादा है, क्योंकि जब पाइप में है तो इसमें भी होगी, तो ये सारी अब सफाई होगी और इसका फिर मैं जेन्युइन एयर सिस्टम करूँगा इंशाल्लाह। ये एयर सिस्टम इंशाल्लाह बेकार है पाकिस्तान में, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं पाकिस्तान है, मिट्टी बहुत है। सिर्फ ये एक लुक होती है कि जी बोनट खुला है तो पता नहीं क्या लगा हुआ है। हाँ ये टर्बो में काम आएगा, टर्बो कार में काम आएगा, सुपर चार्ज कार में काम आएगा, स्टॉक में कोई ज़रूरत ही नहीं होती छेड़खानी करने की एयर सिस्टम को। अच्छा इसकी टेपर सेटिंग क्या होगी? टेम्परेचर आई थिंक सो यार, कोल्ड इंजन पे हैं इनके 0.25 है और 0.35 है आउट का, इनलेट वाल्व का 0.25 है और आउटलेट वाल्व का 0.35 है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे RPM का? क्या लिखा हुआ है 8/750। ये क्या पता नहीं, डोंट नो अबाउट इट। RBC ये वो मैनिफोल्ड का पता नहीं है, उनको ही पता हो, इसको तो ट्रांसलेट बंदा करे तो फिर ही है समझ आ सकती है। ये ब्लू पर्ल जेन्युइन पेंट है, बंपर तो पेंट है कंफर्म। बंपर की उस्ताजी क्या हाँ वैल्यू वो होती नहीं बॉडी है, के? अगर पेंट हुआ था ना, देखो ना यहाँ से उड़ा हुआ ये कंपाउंड की वजह से, तो ये भी फिर साफ हाँ तो मतलब काला होता, अब ओरिजिनल पता है नहीं। पेंट जेन्युइन। ये क्लोज करा, अच्छा इसमें सनरूफ नहीं आती है ना? नहीं, यूरो आर में सनरूफ मैंने तो नहीं देखी, हो सकता है कि कोई कस्टमाइज बनवाता हो वहाँ पे तो उसकी लगी हो, क्योंकि जापान में कस्टमाइज गाड़ियाँ भी कंपनी बना देती है ना, कि जी मुझे ये चाहिए, वो ऑर्डर पे कर देते हैं सारा कुछ। इस
इसमें बहुत ज्यादा वेरिएंट्स हैं, अल्लाह बहुत ज्यादा। अच्छा टाइप आर को इससे एडवांटेज ये है कि वो इससे लाइट वेट है ना, इससे लाइट वेट है, मेन एडवांटेज ही उसका उसका है ये, और कम से कम 150 केजी आई थिंक वो इससे लाइट है, 150 केजी, क्योंकि वो सिविक की बॉडी उन्होंने स्लीक रखी होती है, पॉड की उन्होंने बॉडी रखी हैवी होती है, तो गेज इसकी मोटी है, मतलब के दरवाजों की, इसकी आप बोनट चेक करें, हर चीज इसकी गेज भारी है, तो फिर फर्क तो पड़ेगा ना। इंजन सेम है, कोई फर्क नहीं इंजन के अंदर। अच्छा इसमें डुअल है एसी का, वाह स्टार यार, कॉर्ड का ब्रांड ही आप है, वो उसमें ऊपर खर्च नहीं है, पता है उसको जरा अप लेवल पे ला के छोड़ते हैं, तो स्टैंडर्ड है ना। अब इससे अगले मॉडल कॉर्ड के इसे भी हैवी है, लेकिन वो स्पोर्टी नहीं है, स्पोर्ट्स लुक्स नहीं है उनके अंदर, नॉर्मल लुक्स है, कंफर्ट कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा कंफर्ट राइड है उनकी, बिग हैं इससे भी बड़ी बड़ी हैं। ये है कि इसको आप मैनेज कर सकते हो इस मॉडल को एटलीस्ट। अच्छा ये चौथे गियर में ही 180 पूरा मारती है, थर्ड गियर इसका 140 जाता है, किलोमीटर मूव कराएंगे तो बाकी यहाँ पे आएगी स्पीड, फिर हाँ यहाँ आया करेगी बिल्कुल, वो वही रहा करेगी। सॉरी फैब्रिक उसका ऐसे है, ये यही तो कॉर्ड की ब्यूटी है, इसकी क्वालिटी बहुत हाई है, बिल्ट क्वालिटी बहुत हाई बनाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने वो बनाई उस लेवल की है ना, बात वजह ये है। सिविक को सिविक के लेवल पे वो रखते हैं, अकॉर्ड को अकॉर्ड के लेवल पे रखते हैं, इससे ऊपर लेजेंड है एक होंडा लेजेंड, वो और भी बुलाए हैं, वो यहाँ आती नहीं है, बस हर किसी का उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। इसमें एयरबैग भी, कितने एयरबैग हैं इसमें? दो, एक इधर है एक इधर है, इसमें होते ही दो हैं यूरो आर में, CL9 वगैरह में मेरे ख्याल में चार होते हैं, इधर पिलर्स में भी होते हैं, इसमें उन्होंने अच्छा CL9 इंजन वाइज से कम है लेकिन फीचर उसके ज्यादा है, उसके ज्यादा है वो, कम्फर्टेबल ज्यादा है वो, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, लेकिन उसका वजन देखो ना 1550 केजी भी तो है, तो वजन ज्यादा है, बल्ले इधर ही बैठा रहा, पीछे ना जा यार। 350Z के साथ उस वक्त की यार, 350Z कैसे मुकाबला बनता जैसे ही ये देख, कईयों में तो ये आती है 350Z 6 सिलेंडर है पर आ रही है, उसके स्पेक्स क्या है वैसे यार, मैं भूला हूं, है 6 सिलेंडर 3000 cc होती है, 6 सिलेंडर होती है और हॉर्स पावर मुझे नहीं याद।